पूरे 2 घंटे लग गए टायर को डलवाने में, क्योंकि उन लोगों ने कभी इतना मोटा टायर कभी किसी गाड़ी में नहीं डाला था। मतलब यानी सुपर बाइक का जो टायर है वो कभी किसी बाइक में नहीं डाला था। 190 mm का जो मेरा टायर जो मैं टायर में डलवा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मोटा टायर है, क्योंकि वो टायर जो है ना लीटर क्लास बाइकों में डलता है। लीटर क्लास बोला तो 1000 cc की गाड़ियों में डाला था, जैसे टेनआर हो गई, हायाबुसा हो गई, इनमें टायर आता है स्टॉक टायर आता है 190, तो वही टायर वो अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं अपन। लेकिन उनने कभी इतना मोटा टायर डाला नहीं, तो उसमें पूरे पूरे हमको 2 घंटे लग गए। 2 घंटे में टायर डलाया, बहुत ज़्यादा मशक्कत करी भाई वो बंदे ने, बहुत ज़्यादा मशक्कत करी, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े मुश्किल से डलाया टायर भाई। 2 घंटे बहुत होता है, 2 घंटे परेशान हुआ बंदा, 2 घंटे देखिए उसने डाल दिया टायर, जो है डाल ही दिया उसने, 2 घंटे में डल गया, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो मेरा जो एलॉय है, जो टायर जो है उसके एक्चुअल साइज़ में नहीं दिखा, जो टायर मतलब यानी जो टायर जो मेरा डला है वो उसके ओरिजिनल साइज़ में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरा जो गाड़ी का जो एलॉय है वो छोटा है। आप मतलब मेरी गाड़ी का जो एलॉय है वो छोटा है। NS200 का जो स्टॉक टायर वो आता है 130 mm का आता है, और अगर मैंने टायर डलवा 190 mm का, तो तुम लगा लो हिसाब की टायर कितना ज़्यादा मोटा है। 130 आती है स्टॉक टायर की विड्थ, 130 आती है NS200 की, और अभी मैंने जो डलवाया वो 190 mm है। मेरा जो टायर है वो स्टॉक टायर से 60 mm ज़्यादा चौड़ा है, समझ रहे हो ना, 60 mm ज़्यादा चौड़ा है। तो इतना मोटा टायर डलने में भाई टाइम तो लगते ही है, पूरे 2 घंटे लग गए, जैसा कि मैंने बता दिया 2 घंटे लग चुके हैं। तो जो टायर जो है उसका एक्चुअल साइज़ में नहीं है। मेरा जो एलॉय अगर बड़ा होता, जैसे अगर मेरी गाड़ी, जैसे अगर मेरे पास टेनआर होती और टेनआर में अगर वो टायर डलता तो वो उसके एक्चुअल साइज़ में दिखता है। जिसमें जिसमें टेनआर में जितना मोटा टायर लगेगा उतना मेरी गाड़ी में टायर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी जो एलॉय छोटा है। लेकिन भाई वो सब तो ठीक है, NS200 लॉन्च हुई थी 2012 में, 2012 से अभी तक गाड़ी में 130 टायर दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अभी यामाहा की गाड़ी आती है MT 350, उसमें टायर आ रहा है 140। सोचो 155 cc की गाड़ी है लेकिन 140 टायर दे रहे हैं वो लोग तो। और अभी NS200 कितनी सीसी की गाड़ी है, 200 cc की गाड़ी है, और ड्यूक कितनी सीसी की गाड़ी है, 200 cc की है। ड्यूक में कितना टायर देते हैं, ड्यूक में टायर देते हैं 150 mm का, तो उसका एलॉय बड़ा है। सो गाइस ड्यूक 200 cc की बाइक है और उसमें टायर आ रहा है 150 mm का, उसका एलॉय, अब 150 mm का टायर आ रहा है तो उसका एलॉय थोड़ा बड़ा होगा, मेरी गाड़ी से तो बड़ा ही है उसका एलॉय। अगर वही टायर ड्यूक 200 में डलाएगा तो मेरी गाड़ी से कंपेयर करो तो मेरी गाड़ी से और ज़्यादा मोटा लगेगा उसमें, क्योंकि उसका एलॉय बड़ा है। तो भाई हमारी NS200 का भी एलॉय बड़ा कर देना चाहिए, टायर स्टॉक टायर जो है 150 देना चाहिए कंपनी को, कंपनी से 150 टायर आना चाहिए, जिससे अपना एलॉय बड़ा आएगा तो उसमें टायर और अच्छा लगेगा, वो भर के दिखेगा टायर, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, फिर अब आप मुझे ये कहोगे कि 200 ज़्यादा महंगी है इसलिए उसमें टायर भी मोटा आता है, ऐसा कोई नहीं है भाई। NS200 भी 170,000 की होगी, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, 170,000 भी बहुत, 170,000 भी बहुत होता है। तो भाई 150 mm का टायर दे ही सकती है कंपनी, लेकिन वो सब बातों को छोड़ते हुए आप टायर व्यवहार देखो, फिर भी टायर बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है। मतलब यानी जो स्टॉक टायर आता है उससे तो बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है, भले ही छोटा एलॉय लेकिन टायर अच्छा लग रहा है। एक मिनट आप देखो एक बार कितना प्यारा लग रहा है टायर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यानी लोगों का रिएक्शन भी अच्छा आता है, वो तो बहुत इसकी गाड़ी में टायर कितना मोटा डाला है। रैंडम शॉट देखो NS200 का, ये खड़ी हुई है। टायर का साइज देखो एक बार कितना सटीक लग रहा है टायर का साइज़।